अम्बेरी, हम रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेरी हल्के के डीगल गांव में मौजूद हैं और यहां पर मेरे साथ हैं बेरी से एसडीएम साहब। उनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और किस तरह की प्रोसेस है वो उनकी तरफ से की जा रही है। अभी अभी ये यहां पर आए हैं और पूरी बारीकी से इन्होंने चुनाव का निरीक्षण किया है, पूरी तरह से जो कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर, जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है पूरी बारीकी से उनकी गहनता से जांच के, तो उनसे जान लेते हैं। सर ये बताइए कि आप तो सारे गांवों में घूम रहे हो, तो कैसा मतदान चल रहा है? मतदान शांतिपूर्वक है, हमारे सेक्टर सुपरवाइजर सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑन द फील्ड है और अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो वो ऑन द फील्ड पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाता है, पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाता है। तो सर अगर बात की जाए बेरी हल्के की, तो क्या मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है और अगर कोई दिक्कत है तो किस तरह से लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट है वो आपको बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि उन्हें फोन नंबर कंट्रोल रूम प्रोवाइड कराया गया, बेरी का कंट्रोल रूम है, डीसी का कंट्रोल रूम है और अवेयरनेस के लिए हमने दो सखी बूथ चूज़ किए हैं और एक मॉडल बूथ है और एक पीडब्ल्यूडी के वोटर बूथ है, 97, 99 और 101। 101 जो पीडब्ल्यूडी का वोटर बूथ है उसे हमने ट्रेन के डिब्बे से पेंट कर दिया है और वो नेशनल लेवल पर भी गया है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं आपकी निगरानी में चुनाव किया जा रहा है, तो कितने आश्वस्त हैं आपकी? नहीं मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे को लगता है बेरी की जनता भी कॉन्फिडेंट है कि वो शांतिपूर्वक मतदान करेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बेरी से एसडीएम साहब, पूरी गहनता से बारीकी से एक एक मतदान केंद्र पर जाकर जाँच कर रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी भी तरह से माहौल को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से वो चल रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो लगातार खुद जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोग उनकी मदद भी ले सकते हैं। शुक्रिया।